गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। हमने जो अपना चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट किया था, इस चैप्टर का आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। एसएसटी का चैप्टर नंबर 19, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो मेड श्योर दैट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स आर नॉट इग्नोर्ड। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इस चीज़ की भी गारंटी देता है कि जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं लोगों को, उसे जो है इग्नोर ना किया जाए, ठीक है। इफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एनी वन इज encroached by anyone or even the government, then in that case the court can give judgment against the government also. अगर जो है किसी का फंडामेंटल राइट अगर कोई पर्सन उससे छीन रहा है, तो कोर्ट जो है इसकी गारंटी देता है कि वो उसके फंडामेंटल राइट को जो है प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी किसी की फंडामेंटल राइट को छीनती है, तो इसके जो है अगेंस्ट भी जो कोर्ट है वो जजमेंट दे सकता है। वी मस्ट ऑलवेज डू आर ड्यूटीज इन ऑर्डर टू एंजॉय आर राइट। हमारी ये ड्यूटी भी है कि हम जो है अपनी कर्तव्यों को पूरा करें, ताकि हमें जो है अपने अधिकार अच्छे से मिल सके। दिस इज बिकॉज राइट्स एंड ड्यूटीज आर लिंक्ड विद ईच अदर। इसीलिए जो है राइट और जो ड्यूटीज है वो एक दूसरे से लिंक्ड है, क्योंकि अगर आपके कुछ अधिकार है तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। जैसे अगर आपका अधिकार है कि आप जिस भी एरिया में रहे वो क्लीन रहे, तो आपकी ड्यूटी भी ये है कि आप जो है अपने एरिया को क्लीन करने के लिए जो है सड़कों पर कूड़ा ना फेंकें। अगर आप सड़कों पर कूड़ा नहीं फेंकेंगे, तो अपने आप ही जो आपका राइट है कि आपको स्वस्थ वातावरण मिले या स्वच्छ वातावरण मिले, वो अपने आप आपको मिल जाएगा। तो इसलिए जो राइट है और ड्यूटीज है वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। लेट अस टेक अ सिंपल एग्जाम्पल। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ आपको, एवरी वन हैज अ राइट टू वॉक ऑन द रोड। हर किसी के पास राइट है सड़क पर चलने का, बट इट इज़ आर ड्यूटी टू वॉक ऑन वन साइड एंड नॉट इन द मिडल। लेकिन हमारी ड्यूटी ये भी है कि हम जो रोड के सिर्फ एक तरफ चले, ना कि बीच में। इफ वी डू सो वी मे हर्ट आरसेल्स और प्रूव टू बी डेंजर टू अदर्स। अगर जो हम सड़क के बीच में चलते हैं, तो फिर इससे हमें भी चोट लग सकती है, साथ में दूसरों को भी लग सकती है, ठीक है। तो इसीलिए जो राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं वो हमारे वो जो है आपस में इंटरलिंक्ड है। इसलिए जो है हमें अपने ड्यूटीज को अच्छे से निभाना चाहिए, ताकि जो है हमारे राइट्स हमें अच्छे से मिल सके। सम ऑफ आर फंडामेंटल राइट्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलोज। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो कि संविधान में लिखे हुए हैं वो ये हैं। We must follow the ideals which have been laid down on the constitution. हमें जो है वो सारे ideals को follow करना चाहिए जो कि हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। We must always respect our national anthem and national flag. हमें जो है respect करना चाहिए। ये एक्शन में fundamental rights नहीं, fundamental duties दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे rights गलत है, ये duties हैं। हमें जो है अपने नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज कोऑपरेट विद गवर्नमेंट वेर एवर इट इज इन ट्रबल और एनी डेंजर। हमें जो है सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज ट्रीट एवरीवन इक्वली। हमें जो है सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। हमें जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट आर एनवायरमेंट। हमें जो है अपने एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट शन वॉयलेंस। हमें जो है वॉयलेंस यानी हिंसा जो है नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वी मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ आर कंट्री। हमें जो है यूनिटी यानी एकता बनाए रखने के लिए जो है एफर्ट्स करने चाहिए, प्रयास करने चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। The Constitution also states that the government must follow certain principles. They give directions to the government. These directions are called the directive principles. Let us read a few of them. अब जो है directive principles ऐसे principles होते हैं जो कि Constitution में लिखे हुए हैं, और ये जो सिद्धांत है ये government के लिए है कि जब वो policies बनाए तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है वो अपने policies या programs start करें। अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, द गवर्नमेंट मस्ट ऑलवेज ट्राई एंड इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ इट्स पीपल। गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए कि लोगों की जो कंडीशन है, लिविंग कंडीशन है, उसको इम्प्रूव करें। एवरी सिटीजन मस्ट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। हर सिटीजन को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी अवसर मिले एजुकेशन का, शिक्षा का। चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज शुड रिसीव फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। चिल्ड्रन जो कि 14 ईयर के बिलो हैं, उनके जो है कंपल्सरी एजुकेशन मिले। द कंडीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स एंड द वीकर सेक्शन मस्ट बी इम्प्रूव। जो कंडीशन है एससीज और एसटीज की या फिर वीकर सेक्शन की, वो इम्प्रूव हो, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है वो हमेशा इन चीज़ों को ध्यान में रखकर होती है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ऐसे प्रिंसिपल जो कि जो है डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फ्रेम्ड सो एज टू गिव इनफ अटेंशन टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हमारा संविधान जो है हर किसी को जो है इक्वल राइट देने में बिलीव करता है, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है फिनिश होता है।